हेलो रजितियांस, कैसे हो आप सब? तो गाइज, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताइए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसके अलावा वीडियो को शेयर करना। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अरिजीतियान, आज हम इस वीडियो में कई अपडेट देने वाले हैं, जिसमें हमारे अरिजीत दादा से रिलेटेड है, शान सर से, श्रेया घोषाल से एंड इसके अलावा और कुछ भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं कि अपडेट क्या है। तो सबसे पहली अपडेट यही है शान सर से रिलेटेड कि उनका अभी फिलहाल रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम के साथ छोटा सा इंटरव्यू हुआ था एंड वहां पर उन्होंने कुछ अरिजीत दादा से रिलेटेड बताया था। उनका कहना है कि हर कोई यहां पर अगला अरिजीत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है एंड इसके कारण अपनी पहचान पाने में असफल हो रहा है। तो गाइज, यहां पर उनका कुछ और भी उन्होंने अरिजीत दादा से रिलेटेड कहा था एंड उसका जो आर्टिकल था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस आर्टिकल को पूरा वहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपडेट यही थी कि शान सर ने अरिजीत दादा से रिलेटेड कहा था एंड आपका इसके बारे में क्या कहना कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो बच्चन पांडे मूवी से है। जैसे कि आप जानते हैं, अरिजीत एंड श्रेया दीदी का यहाँ पर सॉन्ग होने वाला है एंड इसके अलावा जिसे कंपोज किया हमाल मलिक ने एंड यहाँ पर म्यूजिक दिया है, सॉरी यहाँ पर जो लिरिक्स हैं कुमार ने लिखे हैं, लेबल अब होता है टीसीज होगा। सो इससे छोटी सी लीक ये आ रही है कि ये वैलेंटाइन डे वाले दिन नहीं, वैलेंटाइन डे वाले वीकेंड के दिन, उस हफ्ते के दिन ये सॉन्ग रिलीज करने की कुछ बातें हो रही हैं एंड यहाँ पर बता दें कि इस मूवी का ये पहला सॉन्ग होने वाला है। फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी विल रिलीज द वीकेंड ऑफ वैलेंटाइन डे वाले दिन इस सॉन्ग को रिलीज करने के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं गाइस कितनी सच्चाई है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले एक कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दिया था कि 9 फरवरी को इसका ट्रेलर आने वाला है इस मूवी का। सो जहाँ तक मुझे लगता है उस ट्रेलर में हमें स्नीक पीक मिल जाएगी अरिजीत दादा की एंड श्रेया घोषाल के सॉन्ग की। सो देखते हैं गाइस। एंड इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो भी श्रेया घोषाल से रिलेटेड है। अभी फिलहाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था एंड मैंने उस पर बहुत गौर किया, उन्होंने क्या बताया था मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी श्रेया घोषाल ट्विटर पर आस्क श्रेया घोषाल नाम से ट्रेंड चल रहा था, शायद ये था एंड वहाँ पर किसी ने पूछा था कि आपका राधे श्याम में एक सॉन्ग था, सॉन्ग है या नहीं है। सो उन्होंने आपको बताया था कि यह सॉन्ग है एंड उनका जो सॉन्ग है वो जस्टिन के साथ है, जो कि तेलुगु जो म्यूजिक है वहाँ उन्हें कंपोज करते हैं सॉन्ग्स को। सो उनके साथ इनका एक सॉन्ग होने वाला है तेलुगु, राधे श्याम में। सो राधे श्याम का सॉन्ग, श्रेया घोषाल का सॉन्ग राधे श्याम में कन्फर्म हो चुका है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तेलुगु में ही होगा वो सॉन्ग, हिंदी में नहीं होगा जहाँ तक लगता है मुझे, लेकिन मैं भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हूँ कि वो हिंदी में होगा। हालांकि आप जानती हैं अमाल का तो अरमान के साथ आ चुका सॉन्ग आएगा, एंड मनन वाला अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके सिट करके उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही था।